तो दोस्तों क्या हालचाल है, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस, आजकल एक इंस्टाग्राम रील्स पर एक सॉन्ग बहुत ही तेजी से वायरल चल रहा है दोस्तों। सॉन्ग का नाम है गाइस अक्खा सुरमा, कुछ इस प्रकार का सॉन्ग है जो कि उसका नाम गाइस नो लव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी वायरल सॉन्ग पर बनाने वाले हैं वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, जो गाइस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो गाइस, जो मैं आपको प्रीव्यू दिखाने वाला हूं उसमें गाइस आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो ऐड करके बना सकते हैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वीडियो, जो कि गाइस आपको आगे प्रीव्यू दिखाया जाएगा। सो गाइस, इस प्रीव्यू के लिए आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस आपका भाई इसी प्रकार का हिंदी भोजपुरी रिलेटेड बहुत ही कमाल के वीडियो लाता रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 300 से भी ज्यादा वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। तो गाइस चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। मजाक किया था, मेरे लिए एंटरटेनमेंट, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट, हिसाब बराबर हो गया। तो कैसा लगा आपको आज का प्रीव्यू स्टेटस, जो दोस्तों इंस्टाग्राम वायरल सॉन्ग पर इस वीडियो को क्रिएट किया गया था। सो गाइस, आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगा करके इस प्रकार का बहुत इंटरेस्टिंग कमाल का वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए गाइस आप बने रहिए वीडियो में एंड तक, और गाइस इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए गाइस आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन, और गाइस इसमें जितने भी मैं स्टेप बताऊंगा सभी स्टेप को आपको बहुत आसान से फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीख लेते हैं और चलते हैं पहले मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले गाइस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, आपको जितने स्टेप बताए जाएंगे सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अलाइट मोशन को ओपन करना है। गाइस अपने अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद सिंपली गाइस आपको प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो साइज का रेजुलेशन दिख रहा है इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से दिख रहा है 9:16 का रेजुलेशन है, इस पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। और दोस्तों प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर जाना, और यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो फोटो दिखाई देगा बॉय का फोटो सब आपको टेलीग्राम से देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइस आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और थियोट पर क्लिक, इसको फिल पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस सेटिंग बगल में इस पर क्लिक करके करंट फ्रेम पीएनजी पे कन्वर्ट करके कम से कम आपको 10 से 15 फोटो को इस प्रकार से रख लेना होगा। सब यही साइज सेम टू सेम यही इसी साइज के साथ आपको क्या करना है, आपको अपना जो है अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, और यहाँ पर गाइस आपको अपलोड इमेज करके इसका जो बैकग्राउंड है इसको आपको रिमूव कर लेना है। सो गाइस इसको रिमूव कर लेने के बाद आपको बैक कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट आप बनाए थे सिंपल इसको हम डिलीट कर देते हैं। गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा नो लव नाम से, इस प्रकार से सेक इफेक्ट, और यहाँ पर आपको सॉन्ग बिट मार्क। तो यहाँ पर गाइस जितने भी आपको प्रोसेस बताए जाएंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है, नहीं तो आप लोग को वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज़ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। सो गाइस सबसे पहले आप आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है नो लव सॉन्ग बिट मार्क इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस आपको इस प्रकार से ये सब डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर इंपोर्ट करके सीधे इंपोर्ट कर लीजिएगा। सो गाइस आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से लेयर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे इस तीनों लेयर को इस प्रकार से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और लेयर पे क्लिक करके सिंपली कॉपी थ्री लेयर कर देना है, और आपका जो नेक्स्ट बिट पर आपको आ जाना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके गाइस, यहाँ पर आपको पेस्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बिट पर आना है, यहाँ पर जो आपका दिख रहा है सिंपली यहाँ पर आने के बाद सिंपली इस पर भी आपको पेस्ट कर देना है, और नेक्स्ट बिट पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर भी आगे इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। ओके फिर आप गाइस आगे आगे आएंगे तो सिंपली नेक्स्ट बिट पर आने बस सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पोजीशन पर यहाँ पर गाइस मैं लड़के के फोटो पर आपको इस प्रकार में इस वीडियो में देने वाला हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है,
तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे ब्लू कलर का मग दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो आपने फोटो को कन्वर्ट करके रखा था यहाँ पर जो आपका साइज का रेजोल्यूशन है सिंपली गाइस यहाँ पर जो आपका ये फोटो दिखाई दे रहा है ये फोटो आपको इस प्रकार से ऐड करना है जो कि 9:16 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो क्या करना है आपको इस फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और प्लस पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम कलर पर क्लिक करना है और स्टार पर क्लिक करके सिंपली उसी फोटो को आपको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेना है। अब गाइस जो फोटो आप यहाँ पर लगाएंगे उसी फोटो को आपको यहाँ पर भी ऐड करना है जो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी बॉय का सेप बना के आपको दे दिया हूँ। तो आपको क्या करना है कलर फिर पे क्लिक करना है और स्टार लाइक इस प्रकार से क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपने गाइस अकाउंट रिमूव करके रखा होगा उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो गाइस हमने जो है फोटो रूम एप्लीकेशन से यहाँ पर किया था तो मैं फोटो रूम एप्लीकेशन में यहाँ पर चलाया जो कि मैं यहाँ पर इससे किया था ठीक है। क्या गाइस इसका जो अकाउंट मैंने रिमूव किया था तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार का एनिमेशन दिखाई दे रहा है। सिंपली गाइस यही प्रोसेस आपको करना है आगे भी करना है। अब गाइस यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस बीच की ये जो लाइन आपको दिख रही है सिंपली आपको ब्लू कलर पर मार पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पर आप जो फोटो कन्वर्ट करके रखे रहेंगे आपको उसी फोटो को आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। तो गाइस यहाँ पर गाइस जिस फोटो को आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो पर गाइस हम इस फोटो को ले लेते हैं ठीक है और गाइस आप प्लस पे क्लिक करके ऐड कर देना और जो नीचे आपका दिख सिंपली हम क्या करें जो नीचे ब्लू का दिख रहा इस पर क्लिक करना है और कलर फिर पे क्लिक करना है सिंपली यहाँ पर भी उसी फोटो को आपको ऐड करना है जो फोटो ऊपर में आप लगाएंगे। और गाइस यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो आपका रिमूव बैकग्राउंड है सिंपली उसी फोटो को आपको रिमूव कर लेना है जो फोटो इसके ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गाइस हम फोटो रूम में जाते हैं और यहाँ पर हमने जो फोटो पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था उसी फोटो को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका जो बैकग्राउंड है इस प्रकार से रिमूव हो गया है कुछ जो कि बहुत यूनिक लग रहा है। फिर गाइस इसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है फिर गाइस आगे कुछ प्रकार से ऐसे ही आपको कर लेना है फिर आपको आगे जाने के बाद गाइस यहाँ पर भी कुछ प्रकार से आपको कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको ध्यान देना गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है कर्फ्यू पर क्लिक करना है ब्लू कलर पर मार पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइस जिस भी एप्लीकेशन से आप इसको किए रहेंगे सिंपली उसको भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे फोटो दिखाए जाते हैं यहाँ पर आप किसी भी फोटो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस हम इस फोटो को ले लेते हैं और प्लस पे क्लिक कर देते हैं इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और गाइस जो आपका नीचे दिख रहा है ब्लू कलर का इस पर क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और आपका इस जो यहाँ दिख रहा है इस पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। अब गाइस कुछ इस प्रकार के अनुसार ये दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर गाइस आपका जो यहाँ पर सेव बना हुआ है बॉय का इस पर क्लिक करना है उसी फोटो को ऐड करना है जो ऊपर में आप फोटो ऐड किए रहेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं पहले फोटो को रिमूव करके रखा था तो मैं यहाँ पर उसी फोटो को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ जो हमने गाइस बैकग्राउंड में रिमूव करके रखा था। तो मैं यहाँ पर गाइस पे क्लिक करता हूँ प्लस पे क्लिक कर इसको ऐड कर लिया। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका ये दिखाई दे रहा है जो कि बहुत यूनिक बहुत ही कमाल का लग रहा है। अब गाइस ये एनिमेशन क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा आगे भी आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार का एनिमेशन ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से ऐड करना जो कि आप कॉपी किए थे गाइस यहाँ पर हमने पहले से कहा यहाँ पर आपको छेड़ना कुछ भी नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ब्लू करके मार के फोटो वगैरह ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करके सिंपली आपको सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ तो एक बार फिर से आपको मैं बताता हूँ ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर करूँ आपको भी कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। और जो गाइस यहाँ पर आप बॉय का रिमूव इस प्रकार से बैकग्राउंड इसको भी आपको इस प्रकार से बॉय का फोटो रिमूव करके इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं जैसे ऊपर फोटो है सेम टू सेम वैसे फोटो नीचे भी है तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको क्रिएट करके रखा था गाइस। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है और यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है कुछ प्रकार से आपको यहाँ पर भी इस पर क्लिक करना है और यहाँ का जो फार वाला है आपको कलर पर क्लिक करना है स्टार लाइक में क्लिक करना और आपको इस पर क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड रिमूव आप किए रहेंगे सिंपली उसी फोटो को यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे फोटो देखने को मिल जाते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना जो फोटो आप ऊपर में ऐड करेंगे वही फोटो आपको नीचे भी ऐड करना जो कि फायर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपका सेम टू सेम मैच हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से हो जाएगा फिर आप आगे जाएंगे तो इस प्रकार से आपका ये फायर इमेज से क्रिएट किया गया है फिर गाइस आपको आगे जाएंगे तो इस प्रकार से आपका एनिमेशन क्रिएट किया गया है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ठीक है। अब गाइस इतना आपको करने के बाद यहाँ पर सबके आपको फोटो ऐड करना है। अब गाइस आगे जाने के बाद इस प्रकार का जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और कलर स्ट्रीप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर चाहे तो आप लड़की का ही फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि आपको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लड़की का फोटो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल की दिखा देते हैं तो प्लस पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक कर देना और गाइस इस पर क्लिक करके सिंपली हम इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो कि बॉय का फोटो है तो गर्ल्स का फोटो भी यहाँ पर हम ऐड कर लिए। तो गाइस यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे दोनों फोटो सेम होना चाहिए। अब गाइस इतना हो जाने के बाद फिर आपको आगे जाना है। अब गाइस आगे जाने के बाद इसके अंदर आपका जो यहाँ पर एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पर भी आपको अपना फोटो ऐड करना है जो कि ये फुल स्क्रीन फोटो रहेगा तो कलर पे क्लिक करिएगा स्टार्टअप में क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर गाइस आपको फोटो इस प्रकार से रिमूव कर लेना होगा ठीक है। जो रिमूव आप करेंगे वो नहीं लगाना है यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन लगाना है तो प्लस पे क्लिक कर लेते हैं इस प्रकार से और गाइस यहाँ पर हम जो इस प्रकार से आपका एनिमेशन क्रिएट किया और सिंपली इसके अंदर आपको इस प्रकार से फोटो को ऐड करते जाना है। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट भी ऐड करने हैं तो इफेक्ट कैसे कैसे
ऐड करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो प्लस पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से हो गया। तो गाइस यहाँ पर आपको जो बीच में ये खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पर आपको फोटो पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर बच्चों भाग को इस प्रकार से आपको मिला देना है। अब गाइस आपको अपने इफेक्ट में आना है, तो सही इफेक्ट में आ जाते हैं। जब आपका पहला इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, इस पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आपका जो बीट मार्क इसको ओपन कर लेना है। एंड गाइस इसको ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको इस प्रकार से आगे जाना है। गाइस आगे जाने के बाद सिंपली आपको जो यहाँ पर एनिमेशन दिखाई दे रहा है, जो बीच में आप फोटो छोड़े हैं आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो फिर आपको ऐसे जाने के बाद फिर आपको आगे आ जाना है, इस प्रकार से आगे जाएंगे तो इस प्रकार का एनिमेशन दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे आपको ऊपर में रख देना है अपना फोटो। ठीक है, आपको लगा देने के बाद फिर आपको आगे जाएंगे। ऐसे यहाँ बीच में आपको दो फोटो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग से। ठीक है, यहाँ पर दोनों बीच में आपको फोटो को ऐड करना है, इस पे इफेक्ट कौन सा लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, यहाँ पर आप सेकंड कोई फोटो ले लीजिएगा और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और गाइस बच्चों भाग इस प्रकार से कट कर देते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको जो थर्ड फोटो दिखाई दिया जाएगा कोई फोटो आप अटैच कर सकते हो, तो थर्ड पे क्लिक करना है और आपको बच्चों भाग इस प्रकार से कट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर गाइस इफेक्ट कौन सा लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैक करके अपने सेकंड इफेक्ट में जाना है और गाइस यहाँ पर आपको जो ये वाला इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट दोनों में से आपको दोनों इफेक्ट लगाना है, ये भी लगा सकते हैं ये भी लगा सकते हैं। दो मैं दोनों इफेक्ट का कॉपी करूँगा, तो यहाँ पर गाइस मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं आप इफेक्ट को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपका जो यहाँ पर दिख रहा है बीट मार्क सिंपली इसको आपको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा गाइस आगे जाना है और जो लास्ट में आपका फोटो आप अटैच किए थे यहाँ पर आपको इफेक्ट अगर कॉपी किए रहेंगे तो इफेक्ट को पेस्ट कर दीजिएगा या फिर आप इसी को पेस्ट करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो फोटो मैंने पहले से ऐड किया था उसको हम डिलीट कर देते हैं। आप यहाँ पर गाइस इफेक्ट कॉपी करिएगा या फिर को पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इधर गाइस हो जाने के बाद आपका जो वीडियो वो कंप्लीट हो जाएगा। आप गाइस कंप्लीट होने के बाद आपको मैं गर्ल का वीडियो दिखा देता हूँ कैसा मैंने क्रिएट करके रखा था। यहाँ पर गाइस पहले से मैंने क्लिक करके रखा था, यहाँ पर गाइस जो हमारा ये गर्ल्स का वीडियो है इस प्रकार से आपको देखने को मिला, जो कि कुछ प्रकार से इसे एनिमेशन क्रिएट किया गया था। गाइस बहुत मेहनत लगी थी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब गाइस क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको सेटिंग बॉक्स पे क्लिक करना है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। बहुत ही संसार